ओम शांति। वीसीटी नंबर 3560। मॉर्निंग क्लास डेटेड 15/9/1968। क्लैरिफाइड ऑन 25/3/2021। प्रातः क्लास चल रहा था 15/9/1968। The morning class of the 15/9/1968 was going on. पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी कि भारतवासियों को कुछ भी मालूम नहीं है कि जब ये लक्ष्मी नारायण थे भारत में तो ये विश्व के मालिक थे। The topic being discussed in the middle part of the first page was the residents of Bharat don't know anything that when these Lakshmi Narayan were present in Bharat they were the masters of the world. उनको ये बुद्धि में नहीं रहता है। They don't remember this. ऐसा कुछ भी बुद्धि में नहीं। They don't remember anything like this. इसलिए तो इन भारतवासियों को पत्थर बुद्धि कहा जाता है। दिस इज वाई द रेजिडेंट्स ऑफ भारत आर कॉल्ड दोज हैविंग अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट। वेद का बाप आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं। द अनलिमिटेड फादर कम्स एंड मेक्स देम दोज हैविंग अ पारस इंटेलेक्ट। इसे कहते हैं कि जीवन अपना हीरे जैसा बनाओ। He says, make your life like diamond. कैसे बनाओ? How should you make it? तो भी अक्षर पहले पहले आते हैं। हीरे जैसा बनाओ। Even then, the words make it like diamond come first. हीरा कहो, हीरो कहो। Call it a diamond, hira or hero. हीरे जैसा कद बनाओ। Make your personality like diamond. कैसे बनेगा? How will it become that? जबकि पवित्र बनेंगे तो हीरे जैसा जीवन बनेगा। When you become pure, your life will become like diamond. तो मूल बात होती है जीवन में, ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की। सो द मेन थिंग इन द ब्राह्मण लाइफ इज ऑफ प्यूरिटी। क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते ही आए हैं 2500 वर्ष के, आकर के हमको पतित से पावन बनाओ, पवित्र बनाओ। बिकॉज You have been calling him in the path of bhakti for 2500 years. Come and make us pure from impure. Make us pure. Pavitra kaho, pavan kaho, baat ek hi hai. Whether you call it pavitra, pure or pavan, it is the same thing. Samut paliti ke janjal se chhodao. Liberate us from the bondage of this urine of lust. जब कोई प्रदर्शनी भी करते हो या वो है म्यूजियम, तो पहले पहले तो यही अक्षर लिखना पड़े ऊपर में, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़े कि भगवान वाच, कृष्ण भगवान वाच नहीं, शिव भगवान वाच, काम महाशत्रु है। When you organize an exhibition or that, the museum, you certainly need to write भगवान वाच, meaning said by God. भगवान वाच said by God on it first of all, and you need to write it in big letters. It isn't कृष्ण भगवान वाच, meaning said by Lord Krishna. It is Shiv Bhagwan Vaj, meaning said by God Shiv. The vice of lust is the greatest enemy. Shiv Bhagwan Vaj. Kaun vaj karte hain?
वही परम पिता परमात्मा परम प्रिय। शिव भगवान उवाच, हू सेज दैट सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल द मोस्ट बिलवेड हिमसेल्फ सेज। ये परम प्रिय अक्षर भी जरूर डालना चाहिए। सो यू शुड डेफिनेटली एड द वर्ड्स मोस्ट बिलवेड एज वेल। इस दुनिया में और कोई आत्मा इस समय परम प्रिय नहीं कही जा सकती। नो अदर सोल इन दिस वर्ल्ड कैन बी कॉल्ड द मोस्ट बिलवेड एट प्रेजेंट। सब धोखेबाज, ऑल आर फ्रॉड्स। जानते हो ना, पहले बात आती है परम प्रिय की। बिकॉज यू डू नो डोंट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक ऑफ द मोस्ट बिलवेड कम्स। तुम्हारा संबंध किससे जुटा है? विथ हू डू यू हैव अ रिलेशनशिप? संबंध साकार में होते हैं या निराकार आकार में होते हैं? आर देयर रिलेशनशिप्स विद अ कॉर्पोरियल वन और आर दे विद अ सटल और एन इनकॉर्पोरियल वन? तो साकारी सो निराकारी बाप और बेहद का बाप परम प्रिय बाप है। सो ही इज द कॉर्पोरियल सो इनकॉर्पोरियल फादर एंड द अनलिमिटेड बिलवेड फादर। और वो सबका परम प्रिय है या किसी एक का ही परम प्रिय है? एंड इज ही द मोस्ट बिलवेड फॉर एवरी वन और इज ही द मोस्ट बिलवेड ओनली फॉर द वन सोल? परम पिता परमात्मा ही है सबका। द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल अलोन इज द बिलवेड फॉर एवरी वन। ये बात तो तुम अच्छी तरह से जान गए हो कि वो एक ही है जो सारी दुनिया के लिए परम प्रिय साबित होता है। यू हैव कम टू नो अबाउट दिस वेरी वेल दैट ही इज द ओनली वन हु प्रूव्स टू बी द मोस्ट बिलवेड फॉर द एंटायर वर्ल्ड। उसी परम प्रिय परम पिता परमात्मा की तुम बहुत ग्लानि करते। You defame that most beloved supreme father, supreme soul himself a lot. कितना बहुत तिरस्कार करते हो। You disrespect him so much. और फिर भक्ति मार्ग में कितना तिरस्कार करते आए 2500 वर्ष के। कच्छा अवतार है, मच्छा अवतार है। And then, how much you have been disrespecting him in the path of bhakti for 2500 years. He incarnates as kach, meaning tortoise, mach, meaning fish. इतने से भी पेट नहीं भरा तो कहने लगे ठिक्कर में है, भित्तर में। माना ठिक्कर का अवतारी है। When you weren't satisfied even with that, you started saying, He is in a lump of soil in a wall, meaning he incarnates as a lump of soil. ज्ञान मार्ग में भीत दीवाल की तरह अड़ जाने वाला। He becomes a barrier in the path of knowledge like a wall. भीत का पार्ट बजाने वाला है का अवतार बताई दिया, वो ही भगवान है। You have named the one who plays a part in the form of a wall to be the incarnation of God. तो ये सब ग्लानी हुई ना। So all this is defamation, isn't it? कंकड़ पत्थर जोड़ करके कितनी बड़ी दीवाल खड़ी कर देते हैं। They build up such big wall by joining pebbles and stones. नाम दिया मिसजिद। इट इज नेम्ड मिसजिद। ऐसी दीवार जो न खुद भगवान के पार्ट को समझती न औरों को समझने देती। शी इज सच अ वॉल हु नीदर अंडरस्टैंड्स द पार्ट ऑफ गॉड हर सेल्फ नॉर लेट्स द अदर्स अंडरस्टैंड इट। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की कितनी ग्लानिंग करती है।
They defame the most beloved Supreme Father, Supreme Soul so much. अरे प्रैक्टिकल में करते हैं या नहीं करते हैं? अति ग्लानी। अरे डू दे डू हिज एक्सट्रीम डिफॉर्मेशन इन प्रैक्टिस और नॉट? इसको कहा जाता है ग्लानी। दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो अभी तुम बच्चे तो जान गए हो ना। सो नाउ यू चिल्ड्रन हैव कम टू नो कितनी ग्लानी करते हैं दुनिया वाले। हाउ मच द वर्ल्डली पीपल डिफेम? किसकी? जो तुम बच्चों का परम प्रिय संबंधी है। हु? द वन हु इज द मोस्ट बिलवेड रिलेटिव ऑफ यू चिल्ड्रन। परम प्रिय ऐसा बाप, बेहद का बाप, आत्माओं का बाप और साकार मनुष्य सृष्टि के मुकर्रर रथ में आया हुआ बाप। तो सर्व मनुष्य मात्र का बाप भी साबित होता है। ऐसे साकारी सुनिराकारी बाप को कहते हैं कि मुझे याद करो। सो He is such most beloved father, the unlimited father, the father of the souls, and the father who comes in the permanent chariot of the corporeal world. He is proved to be the father of all the human beings as well. Such corporeal so incorporeal father says, remember me. कहते हैं ना, माँ मेरे कम याद करो। He says, doesn't he? रिमेम्बर ओनली मी। अगर मुझे एक को ही याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के जो भी पाप हैं, कितने भी पाप हों, अजामिल ऐसे पाप हों, सब खलास हो जाएंगे। इफ यू रिमेम्बर ओनली मी एंड नो वन एल्स द सिंस ऑफ योर मेनी बर्थ्स नो मैटर हाउ मेनी सिंस दे आर Even if they are sins like those which were performed by Ajamil, all of them will be destroyed. कोई इस एक जन्म की बात थोड़ी है। It isn't about only this one birth. इस जन्म में जो पवित्र रहे। Those who remained pure in this birth. ये तो ब्राह्मण जीवन है, ये तो हुआ। इस जन्म की बात हुई। दिस इज द ब्राह्मण लाइफ, इट इज अबाउट द प्रेजेंट। परंतु पास्ट के जो भी जन्म जन्मांतर हैं, जिनके ढेर सारे पाप तुम्हारे सिर पर चढ़े हुए हैं। इट इज अबाउट दिस बर्थ बट द सिंस ऑफ मेनी बर्थ्स ऑफ द पास्ट हैव पाइल्ड अप ऑन योर हेड। तुमने पाप भी किए हैं। जब पाप किए हैं तो ग्लानी भी किए। एंड यू हैव ऑल्सो कमिटेड दोज सिंस। व्हेन यू हैव कमिटेड सिंस यू हैव ऑल्सो डिफेम्ड द फादर। सर्वव्यापी बोला है ना जन्म जन्मांतर, यानी बाप की ग्लानी की। You have called him omnipresent for many births, haven't you? It means you have defamed the father. जैसे घर में बच्चे रहते हैं ना, वो जा करके कोई बेकायदे काम करते हैं, तो इसको कहा जाता है बेकायदे। Suppose there are children in a house, and if they go and do some illegal work, then That is called an illegal work. जा करके कोई न कोई खराब काम करते हैं, देखो बच्ची। Look daughter, they go and perform some or the other bad deed. बच्चे करते हैं ना? The children do it, don't they? तो बाप कहते हैं ना,
अरे ये तुम क्या करते हो, है ना? So the father says, doesn't he? अरे what do you do? Isn't it? तो तुम जा करके कुल को कलंक लगाते हो। You disgrace the clan. सिर्फ अपने कोई कलंक लगाने की बात नहीं, सारा कुल कलंकित कर देते हो। It isn't just about disgracing yourself, you disgrace the entire clan. तो देखो तुम बच्चों ने अभी अभी समझना चाहिए कि तुमने अपने जीवन में जो पाप किए हैं जन्म जन्मांतर के जीवन में, और ये ज्ञान तो बाप ही समझाते हैं ना। कि कोई तुम्हारा दोष नहीं है। सो लुक, द चिल्ड्रन शुड अंडरस्टैंड वॉट एवर सिंस दे हैव कमिटेड इन देयर लाइफ इन मेनी बर्थ्स, एंड द फादर हिमसेल्फ एक्सप्लेन्स दिस नॉलेज, डजंट ही, दैट इट इजंट योर फॉल्ट। ये तो सब ड्रामा में नूंद है। All this is preordained in the drama. बस यही कहेंगे। This itself will be said. कि ड्रामा के प्लान अनुसार। That's it. According to the drama plan. अभी जबकि तुमको मालूम पड़ा है। When you have come to know. ओहो। ये तो अविनाशी ड्रामा है, ये सृष्टि रूपी रंगमंच। ओहो, दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड इज एन इम्पेरिशेबल ड्रामा। 15/9/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। इट इज द सेकेंड लाइन ऑन द सेकेंड पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 15/9/1968। तो जब मालूम पड़ा है तो अब जान गए हो कि हम तो सर्वगुण संपन्न बनने वाले हैं। 16 कला संपूर्ण थे, राम राज्य में थे। सो व्हेन यू हैव कम टू नो, यू हैव कम टू नो, वी आर गोइंग टू बिकम कंप्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज। वी वर कंप्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज इन द किंगडम ऑफ राम। अभी इस जन्म में आके पूरे पतित बनने से हमने अपने कुल को कितना कलंक लगाया। नाउ बिकॉज ऑफ बिकमिंग टोटली इम्प्योर इन दिस बर्थ वी हैव डिफेम्ड अवर क्लैन सो मच। जैसे कलंक लगाया ना, इट इज लाइक वी हैव डिफेम्ड अवर क्लैन, हैवंट वी? तो तुम असल में तो अभी जान गए ना। So now you have truly realized, haven't you? बाप ने समझाया कि अभी तुम समझते हो कि तुम देवता थे। The father has explained, now you understand that you were deities. क्या कहेंगे, तुम आत्मा ही देवता थे ना? What will be said? You, the souls were deities, weren't you? ये तुम्हारा शरीर कोई देवता तो नहीं था। Your body wasn't a deity. ये तो इस जन्म का मूत पलीति पतित शरीर है, पतित पने से पैदा हुआ है। This is the body dirtied by the urine of lust in this last birth. It is born from impurity. देखो पीछे देखो, बाप डरापा देते हैं ना, और वो तो डरापा हद में देते हैं, लौकिक बाप। लुक देन द फादर सर्टेनली रिप्रोचेस यू, डजंट ही? एंड द लौकिक फादर्स रिप्रोच देयर चिल्ड्रन इन द लिमिटेड। अपने कुल कलंकित बच्चों से कहते हैं, अरे तुमने क्या किया,
They reproached their children who disgraced the clan, saying, "Arre, what have you done?" तो अभी ये बाप भी कहते हैं तुमने जा करके विकार में अपना मुंह ऐसा कर दिया। So now this father also says, "You have done this to your face by indulging in vices." एकदम काला कर दिया। You have blackened it totally. ऐसे कहा जाए ना? It will be said so, won't it? खराब काम करके आते हैं, कहते हैं काला मुंह करके आए। If someone comes after performing a bad deed, it is said, "You have come after blackening your face." तो ये तो बेहर का बाप फिर कहते हैं। So the unlimited father says that. तो बेहर के बच्चे तो उनको कहा जाता है ना? They are called the unlimited children, aren't they? बेहद के बच्चों को कहते हैं ना, अरे तुम बच्चे अभी समझते हो कि नहीं? He says this to the unlimited children, doesn't he? अरे, do you children understand now or not? तुम बच्चों ने क्या किया? What have you children done? अरे किसकी मत पर किया? अरे, on whose direction have you done it? तुमने रावण की मत पर ये क्या किया? What have you done on the direction of Ravan? और सी मत पर यानी ड्रामा के प्लान के अनुसार भी कह देते हैं। And he also says it according to Srimad, meaning according to the drama plan. पर सी मत पर अब समझाते तो है ना? But he does explain about Srimad, doesn't he? वो भी ड्रामा प्लान अनुसार कि तुमने क्या किया? That too is according to the drama plan. तुमने अपने कुल को कलंकित कर दिया। He says, "What have you done? You have disgraced your clan." सारे ब्राह्मण कुल को कलंकित कर दिया। You have disgraced the entire Brahmin clan. और and ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मा के कुल को ब्राह्मण जीवन को कलंकित कर दिया, मुझे भी कलंकित कर दिया। It isn't that you disgraced only the clan of Brahma, the Brahmin life. मुझे भी कलंकित कर दिया। You have disgraced even me. जो मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर इवर प्योर का पार्ट बजाता हूं। Who plays the part of ever pure on this stage-like world? अब तो बाप आकर के बच्चों को डरापा देते हैं ना, बच्चों को। It is then that the father comes and reproaches the children, doesn't he? कि तुमने अपने धर्म की ग्लानि कर दी। You have defamed your religion. देवी देवता सनातन धर्म की ग्लानि कर दी। You have defamed the ancient deity religion. और सब धर्मों के सामने, सारी दुनिया के सामने अपने धर्म की ग्लानि कर दी। And you have defamed your religion in front of all the religions, the entire world. अपनी भी ग्लानि कर दी। You have defamed even yourself. तो ये अभी तुमको मालूम पड़ गया। So now you have come to know this. ओहो, अरे हमने ये क्या किया? You think, ओहो, अरे, what have we done? हम जा करके रावण राज्य में उस रावण के मत पर चल करके जिसको दसियों सिर दिखाए गए हैं, 10 तरह की मत देने वाला, 10 धर्म का मुखिया
ऐसी भ्रष्ट मत पर चल करके हम कितने गिर गए, विभिचारी बन गए। We went to the kingdom of Ravan, and on following his directions, Ravan, who has been shown having 10 heads, the one who gives 10 kinds of directions, the chief of the 10 religions, we have degraded so much on following such corrupt direction, we have become adulterated. तो जैसे कि हमारा जीवन सारा ही इस रावण ने कौड़ी जैसा बनाई दिया। It is like this Ravan has made our entire life like a kaudi. अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमारा जीवन तो हीरे जैसा था। Now you children do understand our life was like diamond. हीरा कितनी रोशनी की चमक मारता है। A diamond shines so much. अंधेरे में भी चमक मारता है। It shines in darkness as well. तुम ऐसे देवताएं थे ना? You were such deities, weren't you? आत्मा में पवित्रता की चमक थी ना? The soul had the shine of purity, didn't it? अभी तो है ये नाटक, ये नाटक ही ऐसा बना हुआ है। Now this is a drama. This drama itself is made this way. इस नाटक की बेहद की बात बाप बैठ करके समझाती हैं बच्चों को। The father sits and explains the unlimited concepts of this drama to the children. तो उसको समझो। So understand it. क्योंकि बेहद का बाप है तो उनकी समझानी भी तो बेहद की बेहद तरह की होगी ना। As he is the unlimited father, his explanation will also be in the unlimited way, won't it? हद की रीत तो नहीं समझाएंगे। He certainly won't explain in the limited way. कहते हैं तुम कितने पवित्र थे। He says you were so pure. तो तुमको ही तो समझाएंगे ना जो पवित्र थे। So he will definitely explain it to you who were pure, won't he? और जो स्वर्ग में पवित्र थे ही नहीं, दूसरे धर्मों को फॉलो करने वाले पक्के थे, उनको थोड़े ही समझाएंगे। And those who weren't pure in heaven at all, those who were firm in following the other religions, he won't explain it to them. तो जो पवित्र थे देवी देवता सनातन धर्म के, so those who were pure, who belonged to the ancient deity religion, कलातीत स्टेज में रहने वाले, who lived in the stage beyond celestial degrees, पहले भी उनको ही समझाते थे। He explained to them earlier too. अभी भी उनको ही समझाते। And he explains it to them even now. कि जो पवित्र गृहस्थ धर्म में थे, those who were in pure household, गृहस्थ मार्ग में थे, they were on the household path. वो सन्यासी थोड़े ही थे, they weren't sannyasi. ऐसे बच्चों को ही तो बाप समझाएंगे ना। The father will explain to such children themselves, won't he? अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम ब्राह्मण बच्चे सब जानते हो कि अभी तो हम अपवित्र अपवित्र गृहस्थ मार्ग में आए के पड़े हैं। Now, you Brahmin children know everything in this Purushottam confluence age, that now you have degraded to the impure household path. तो अभी बेहद का बाप, आत्माओं का बाप, उस सब को समझाएंगे ना? So now, the unlimited father, the father of the souls, will explain everyone, won't he? ये भी जानते हो
कि समझाने के लिए तो मुख चाहिए। यू नो दैट द अनलिमिटेड इनकॉर्पोरियल फादर नीड्स अ माउथ टू एक्सप्लेन। बेहद के निराकारी बाप को, क्योंकि निराकारी आत्माओं का बाप है। As he is the father of the unlimited incorporeal souls. और समझाने की बात कोई एक दो की तो नहीं है, तो अभी भी प्रदर्शनियां वगैरह होती रहती हैं। And it isn't about explaining to one or two. Even now, the exhibitions etc. take place. तब वो लिख देना चाहिए, एक अज बड़े ते बड़ी भूल है, जो बेहद भूल के लिए बुलाते हैं। Then you should write in it that there is only one biggest mistake. You call him for that unlimited mistake. कि बाबा हम कोई कृष्ण के बच्चे नहीं हैं, कलाबद्ध कृष्ण के। बाबा हम तो आपके बच्चे हैं, ज्ञान सूरी के बच्चे हैं। बाबा वी आरंट द चिल्ड्रन ऑफ कृष्ण, द कृष्ण हु इज बाउंड इन सेलेस्टियल डिग्रीज। बाबा वी आर सर्टेनली योर चिल्ड्रन, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सन ऑफ नॉलेज। सूर्य कोई कलाओं में थोड़े ही बांधा जाता है। द सन इजंट बाउंड इन सेलेस्टियल डिग्रीज। हम तो कलातीत बाप के बच्चे हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द फादर हु इज बियॉन्ड सेलेस्टियल डिग्रीज। और देखो जब ये बात तुम बच्चों को याद आती है, एंड लुक व्हेन यू चिल्ड्रन रिमेम्बर दिस, है तो लज्जा कोई आती है किसको बुलाने की। डज एनीवन ऑफ यू फील अशेम्ड इन सेइंग, आपके हम बच्चे पतित बन गए। वी योर चिल्ड्रन हैव बिकम इम्प्योर। ओम शांति, ओम शांति।